रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। यह बधाई ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में भारी तनाव है, खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया है। पुतिन ने एक कार्यक्रम में ट्रंप को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो एक बहादुर नेता है। पुतिन ने ट्रंप की बहादुरी की तारीफ भी की। इतना ही नहीं, ट्रंप पर जुलाई में हुए हत्या के प्रयास के बाद उनके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं को भी उन्होंने सराहा। पुतिन ने कहा, मैंने ट्रंप के व्यवहार को देखा है, उन्होंने काफी साहस दिखाया। पुतिन ने यह भी कहा कि वो ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार है और अमेरिका से संबंधों को बहाल करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है कि वह इस दिशा में कदम उठाएगा या नहीं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद ट्रंप ने मेजर स्विंग स्टेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए बाइडेन को हराया। ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जिसमें पुतिन का नाम सबसे बड़ा माना जा रहा है। बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप को बधाई दी है और व्हाइट हाउस में सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने पर भी बात कही है। वहीं पुतिन का मानना है कि ट्रंप की जीत अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में यह एक मौका हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और रूस के रिश्तों में काफी तनाव पैदा हो चुका है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए हैं और रूस की आक्रामकता का बड़े मंचों पर कड़ा विरोध भी किया है। इन परिस्थितियों में ट्रंप का रूस के साथ रिश्तों को सुधारने की बात करना एक नया पहलू हो सकता है। पुतिन ने बधाई देकर संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका का रुख जानना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बधाई वाले पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो पुतिन ने बधाई देने में कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि एक दिन पहले ही ट्रंप को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन पुतिन की ओर से ना कोई बयान आया और ना ही कोई पोस्ट। ऐसे में जब एक कार्यक्रम में उनसे ट्रंप को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए उनको बधाई दी। इतना ही नहीं, जब सभी बधाई दे रहे थे तो उधर क्रेमलिन ने ट्रंप को बधाई देने की जगह अमित देश का न्योता भेज दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्र पेशको ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सबसे निम्नतम बिंदु पे है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देंगे, इस पर पेशको ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी योजना के बारे में पता नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो पेशको ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जो एक अमित्र देश है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे राज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।